अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अचारी चिकन की रेसिपी। अचारी, अचारी नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, और ये रेसिपी भी कुछ इसी तरह से है, चटपटी सी और अपने में ही इसका कोई अलग सा जायका होता है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं अचारी चिकन की रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अचारी चिकन का पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो पहले मैंने एक पैन ले लिया है, इसे मैंने गर्म करने रख दिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 2 तोड़ के सूखी लाल मिर्ची मैंने ऐड की है, 1 टेबल स्पून कलौंजी है और 1 टेबल स्पून राई है ये, और 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना है। और इसे बस 1 मिनट रोस्ट करना है हमें। जब ये 1 मिनट अच्छे से रोस्ट हो जाए, मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका एक दरेरा सा पाउडर बनाना है हमें। कुछ इस तरह से दरेरा सा पाउडर तैयार करना है हमें अचारी मसाले का। एक फ्राई पैन में मैंने तेल अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 फाइन चॉप्ड की हुई प्याज, और इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन हुए तक पकाना है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें मैं ऐड करूंगी 3 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और जिंजर एंड गार्लिक की रॉ स्मेल जाए तक हमें तकरीबन 1 से 2 मिनट इसे पकाना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 kg चिकन जो है बोन के साथ, और इसे हमें 2 से 3 मिनट पकाना है स्टर करते हुए। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर का पेस्ट और सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पैन की लीड लगा के इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 5 से 7 मिनट के बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप दही, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालते वक्त स्टोव का फ्लेम लो रखिए, और पैन की लीड लगा के हम इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट के बाद इसे पहले अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अचारी मसाला, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और पैन की लीड लगा के इसे तकरीबन 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जूलियन अदरक और 2 से 3 हरी मिर्चें, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अचारी चिकन अब रेडी हो गया है। आप अचारी चिकन को पराठे या फिर रोटी के साथ सर्व कीजिए। आई होप आपको अचारी चिकन की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए।
इंशाल्लाह फिर आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।